Hello everyone, my name is Bushra and welcome back to the official platform of UGC Net Ada 24/7. आज का ये वाला जो हमारा सेशन है जहाँ पे हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन करने वाले हैं, तो चलिए ज्वाइन कर जाइए आज के सेशन के अंदर सो हम इस सेशन को अपने स्टार्ट कर सके। आई होप आप सबके इन पे ऑडियो वीडियो सारी चीज़ें क्लियर आ रही होंगी। एक बार मैं आपके एंड से चेक कर लेती हूँ सो दैट हम इस सेशन को स्टार्ट कर दें। आप भी मुझे बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है। गुड आफ्टरनून जनीशा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, बाकी लोग फिर ज्वाइन करते रहेंगे तब तक। सो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, इस पर्टिकुलर यूनिट की, स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस दो शब्द हैं यहाँ पे हमारे पास में। पहला है भाई बिजनेस हमारे पास में, तो हमने बिजनेस फाइनेंस देखा, बिजनेस इकोनॉमिक्स देखा, तो हमने कहा बिजनेस वो चीज है या वो आप कह सकते हैं एक्टिविटी जो एक पर्सन करता है या ग्रुप ऑफ पर्सन करते हैं मिल करके, जिसके बदले में हमें प्रॉफिट चाहिए। नहीं कोई ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी आप कर रहे हैं मनी से रिलेटेड, उसके बदले में प्रॉफिट चाहिए, तो आप बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने कहा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो हमने कहा बिजनेस में बहुत सारे आपको डिसीजंस लेने होते हैं, जिन डिसीजंस को लेने के लिए हम बहुत सारा डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करके वहां से रिजल्ट्स निकालते हैं और उसके हिसाब से डिसीजंस लेने की कोशिश करते हैं। कि हमने कहा देखा कि यार ये क्लास में कितने बच्चे आ रहे हैं, इनमें से कुछ बच्चों का सैंपल ले लिया मैंने और उनसे पूछा कि भाई मैम की क्लास कैसी लग रही है, तो एक बच्चा कह रहा है कि यार मैम की क्लास तो हाँ अच्छी लगती है, दूसरा कह रहा है अरे नहीं बकवास पढ़ाती है। इस तरीके से क्या किया हमने, डेटा कलेक्ट कर लिया और इस डेटा के बेसिस के ऊपर मैम ने क्या किया, मैम को या तो फायरिंग कर दी मैम की कि भाई इनके एक तो बहुत ज्यादा नेगेटिव जो है बच्चे बोल रहे हैं, इनका वाला डेटा जो है बहुत नेगेटिव आ रहा है, या अगर मैम का मतलब परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा मतलब अच्छा हुआ तो पता चल रहा है मैम की ग्रोथ हो गई है ना, सैलरी वैलरी बढ़ गई, इंसेंटिव मिल गया। तो ये सारे इस प्रकार के जो डिसीजंस हैं बिजनेस के, इस प्रकार से वो स्टैट्स यानी डेटा के ऊपर आधारित डिसीजंस लेते हैं। तो ये जो पूरा सब्जेक्ट है, दिस सब्जेक्ट इज नोन एज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। नाउ द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, organizing, presenting, analyzing and interpreting data to assist in making more effective decisions. यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा और effective decisions, जैसे हवा में तो ले नहीं लेंगे decisions, तो हमने कहा बहुत अच्छे से effective decisions लेने के लिए हम क्या कर रहे हैं, data collect कर रहे हैं और उस data पे आधारित decisions ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि यार हमें लग रहा था हमने कर लिया, हमें नहीं लग रहा था तो हमने नहीं किया, नहीं हमने कहा ना data collect करेंगे उसके basis के ऊपर decisions लेंगे। कोई product बनाया, इस product की कितनी सेल हो रही है, ऐड दे रहे हैं तो सेल्स बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, घट रही है या स्टेबल रह रही है, इस तरीके का डेटा कलेक्ट कर लिया और इस तरीके का डेटा कलेक्ट करने के बाद में हमने डिसीजंस लिए। फारूकी जी कह रहे हैं गूगल मॉर्निंग क्या होता है। चलो सर, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, हमने कहा स्टैटिस्टिक्स दो प्रकार की, एक डिस्क्रिप्टिव एक इन्फरेंशियल। अब लेट्स से फॉर एन एग्जांपल इतने लोगों का या इतनी चीजों का मैंने डेटा कलेक्ट किया और इस डेटा को कलेक्ट करके इन्हीं लोगों के डिस्क्राइब कर रहे हैं, इन्हीं लोगों को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारी क्लास में 50 बच्चों का डेटा कलेक्ट किया और उन 50 बच्चों के बारे में ही हम डिस्कशन कर रहे हैं कि ये 50 बच्चे कैसे हैं, कैसे नहीं है, क्या बोला क्या नहीं बोला, क्या है क्या नहीं है, उन्हीं 50 के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स करने की कोशिश करना। और यदि अगर मैं इन 50 बच्चों का डेटा लेके कि मैम कैसा पढ़ाती है कैसा नहीं पढ़ाती है, इस पे आधारित हमारे वो जो टोटल बच्चे हैं उनके बारे में पता किया जाए कि हाँ अच्छा ये बच्चे बोल रहे हैं इसका मतलब मैक्सिमम नहीं मैम अच्छा नहीं पढ़ाती हैं, इस तरीके की इन्फ्रेंसेस ड्रॉ हो रही है हमारे बारे में या हमारे प्रोडक्ट के बारे में। कि हमने कहा कुछ लोगों के ऊपर आधारित हम बहुत सारे डिसीजंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट इज नोन एज आपके कौन से डिसीजंस, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी ठीक है, इसके ऊपर आधारित हम डिसीजंस ले रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स हमारे लिए, है ना, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स इसको हम कहेंगे। अगला देखिए, हमने कहा जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है उसको पढ़ लेते हैं एक बार कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्या कह रहा है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या कह रहा है भाई, हमने कहा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या कह रहा है कि हम ऐसे मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके माध्यम से हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं डेटा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर टेबल्स बना दिए,
ग्राफ्स बना दिए जिसके थ्रू हमने डेटा को ऑर्गेनाइज कर दिया. Z2. ठीक है, तो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल ज़ेप्टो के बहुत सारे कस्टमर्स है ना, ये बहुत सारे कस्टमर्स का डेटा लिया और हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इन कस्टमर्स को जो प्रोडक्ट की डिलीवरी है वो ऑन टाइम हो रही है नहीं हो रही है. इस प्रकार से अगर आप चीजें कर रहे हैं देन दैट इज नोन एज अ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. और उन लोगों के आधार पे हम पूरी ओवरऑल ज़ेप्टो की सर्विस का डेटा निकाल रहे हैं या ज़ेप्टो की सर्विस को रेट कर रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. हमारे लिए क्लियर है? अब ये जो हम डेटा कलेक्ट करने की बात करें, हम कह रहे हैं ना बार बार कि डेटा कलेक्ट हो रहा है, डेटा कलेक्ट हो रहा है, तो ये जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं, ये डेटा हम कलेक्ट करते हैं दो माध्यम से. यानी एक तो हो गया प्राइमरी डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं और दूसरा हो गया सेकेंडरी डेटा जो हम कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं. प्राइमरी डेटा यानी फर्स्ट हैंड डेटा, यानी मैं खुद आऊं आपसे बात करूं और पूछूं कि भाई ये हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मतलब मैं आपसे खुद डायरेक्टली नया डेटा कलेक्ट करने की बात कर रही हूँ. अब फ्रेश डेटा या प्राइमरी डेटा की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली किसी ना किसी पर्टिकुलर चीज के लिए हम लोग स्पेशली एक डेटा क्यूरेट करने की या स्पेशली एक डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं. जो प्राइमरी डेटा है हमारे लिए, स्पेसिफिकली ये जो प्राइमरी डेटा है इसको हम कई तरीकों से कलेक्ट कर सकते हैं. जैसे अगर मैं आपका इंटरव्यू ले लूँ, हो गया डेटा कलेक्ट, या मैंने इंटरव्यू नहीं लिया, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको क्या कर रही हूं, हेलो ठीक है, अगर मैं आपका डेटा नहीं ले रही हूं और लेट्स से फॉर एन एग्जांपल तो यहाँ पे अगर मैं आपका डेटा नहीं कलेक्ट कर रही हूँ और मेरे पास में ऑलरेडी जो अवेलेबल डेटा है, जैसे आरबीआई के द्वारा आरबीआई की वेबसाइट पे कोई डेटा है, किसी बैंक की वेबसाइट के ऊपर डेटा है, या कुछ है इस तरीके से, अगर मैं डेटा का कलेक्शन कर रही हूँ, यानी डेटा जो ऑलरेडी अवेलेबल है मैं खाली उसका इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसको कहते हैं सेकेंडरी डेटा. तो प्राइमरी डेटा हमने देखा कि यार एक तो इंटरव्यू के माध्यम से हम लेकर के आ गए, दूसरा हम ऑब्जर्वेशन के माध्यम से लेकर के आ गए, है ना, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से लेके आ गए, या मैंने आपसे किसी प्रकार का कोई क्वेश्चनेयर भरवा लिया. क्वेश्चनेयर भरवा लिया प्राइमरी डेटा हो गया. सेकेंडरी डेटा क्या हो गया, मैंने कोई बुक में से डेटा ले लिया, किसी की वेबसाइट से डेटा ले लिया, किसी का कोई आर्टिकल था, कोई जर्नल में कोई पेपर था, या किसी की कोई थीसिस थी, इस तरीके की कोई भी चीज थी जहां पे डेटा ऑलरेडी था. चाहे तो ये पब्लिश हो सकता है डेटा, भाई किसी ने कहीं भी पब्लिश करा लिया हो डेटा, या अगर अनपब्लिश्ड भी है लेकिन कलेक्ट तो किसी और के द्वारा किया गया है ना, भले ही नहीं पब्लिश कराया अभी, स्टिल दिस इज टर्म्ड एज अ सेकेंडरी डेटा ओवर हियर. अगला देखेंगे डेटा की अगर हम बात करें तो डेटा क्या है. तो डेटा हमने कहा दो प्रकार से कलेक्ट कर सकते हैं. एक तो मैं आपसे बोलूं कि यार मॉक टेस्ट दे रहे हो तो मॉक टेस्ट के अंदर
चलो, सो क्वालिटेटिव डेटा की अगर हम बात करें तो क्वालिटेटिव क्या है? डेटा हमारे पास में एक ऐसा डेटा जिस जो कि किसी क्वालिटीज के लिए आपने कलेक्ट करके रखा है ना. लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, आपने कोई ऐसा डेटा जो है वो कलेक्ट किया किसी व्यक्ति का, कि मैं आपसे पूछ रही हूँ कि यार मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स को रेट करो, यानी टीचिंग स्किल्स को. लेट्स से फॉर एन एग्जांपल रेट कर दिया, या मैंने आपसे बोला कि यार ऐसी चीजों के लिए डेटा मैं आपसे कलेक्ट कर रही हूँ कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हो तो क्या मैम गुस्सा हो जाती है या एंगर हो जाती है? होती है ना, कुछ टीचर्स बोलते हैं अरे मेरे से 5 बार चाहे तो टॉपिक पूछ लेना, दूसरी बार पूछो तो एकदम है ना सुना के रख देंगे, अरे तुमको समझ में नहीं आता क्या एक बार में, ऐसा क्या है तुम्हारा दिमाग खराब है, ऐसे करके बोलते हैं. सो अगर इस तरीके का मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूँ आपसे कि अच्छा बताओ मैम से ऐसे पूछते हैं तो मैम कैसा रिएक्ट करती है क्या करती है, सो दैट इज नोन एज एटीट्यूड जो है, या इस तरीके के डेटा को आप क्वालिटेटिव डेटा कहेंगे. किसी के नाम का डेटा हो गया, किसी के कलर का, किसी के रिलीजन का, किसी की कंट्री का, इस तरीके का डेटा जिसके ऊपर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके की चीजें नहीं हो सकती हैं. दूसरी ओर क्वांटिटेटिव डेटा की अगर हम बात करें, ऐसा डेटा जो कि क्वांट से रिलेटेड है, यानी जो नंबर से रिलेटेड डेटा है हमारे पास में, इस तरीके के डेटा को हम कहते हैं कि हमारा क्वांटिटेटिव डेटा है. लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि यार मॉक टेस्ट अटेंड कर रहे हो, क्लास के बाद जो क्लास के पहले एक मॉक टेस्ट अटेंड किया उसमें कितने नंबर है, क्लास के बाद मॉक टेस्ट अटेंड किया कितने नंबर है, तो मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि क्लास से कितना आपको बेनिफिट हो रहा है. सो इस तरीके का जो डेटा आपके पास में आ रहा है दैट इज नोन एज अ क्वांटिटेटिव डेटा हमारे लिए. अब ये जो हमने कहा डेटा आ रहा है, क्वालिटेटिव डेटा जो है वो आपके पास में हो गया एंड देन क्वांटिटेटिव डेटा हो गया. अब ये जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं, इसको कलेक्ट करके हमें क्या करना है, हमें मेजर करने की कोशिश करना है ना, हमें मेजर करना है. अब जो मेजरमेंट है हमारे डेटा का, यानी न्यूमेरिकल स्केल ऑफ मेजरमेंट्स बहुत सारी हैं, तो हमने कहा कि अगर मेरे पास में जो डेटा है दैट इज क्वालिटेटिव इन नेचर, ठीक है, अगर मेरे पास में द डेटा इज क्वालिटेटिव इन नेचर, तो उसके ऊपर हमने जो है दो स्केल्स के ऊपर मेजरमेंट कर लेना है डेटा का. दो स्केल के ऊपर मेजरमेंट कर सकते हैं हम डेटा का. अच्छा, कुछ ऐसा डेटा होता है क्या जिस डेटा को आप कुछ नहीं कर सकते, यानी उसको आप ऑर्डर में भी नहीं लगा सकते, यानी एक ऐसा डेटा जो डेटा आपका ना ऑर्डर में लग सकता है, सीक्वेंस में नहीं लगा सकते, यानी कम ज्यादा ऐसा कुछ नहीं कर सकते. लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल किसी की कंट्रीज का डेटा है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि इंडिया वाले ऊपर अमेरिका वाले नीचे रख दो, नहीं कर सकते, सीक्वेंस नहीं लगा सकते. किसी के नाम का डेटा है, अगेन यू कैन नॉट डू इट. किसी के जेंडर का डेटा है आपके पास, मेल फीमेल, अगेन यू कैन नॉट डू इट कि यार मेल ऊपर रख दो फीमेल नीचे रख दो, या फीमेल ऊपर रख दो मेल नीचे रख दो, यू कैन नॉट डू इट. इस तरीके का डेटा है, यानी जहां पे ना ही कोई ऑर्डर लगा सकते हो आप, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन इस तरीके की चीजें नहीं कर सकते, इस डेटा को हम ऑर्डिनल सॉरी नॉमिनल स्केल के ऊपर मेजर करते हैं. अब एग्जाम्पल के तौर पर आप सारे बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे साथ में मेरे कोर्सेस के अंदर है. अच्छा, मेरे कोर्स के एंड में यानी क्लास के एंड में आपके पास में एक इस तरीके की फीडबैक का वो आता है ना, इस तरीके के ऐसे स्टार जाते हैं फीडबैक के लिए, तो 5 स्टार आते हैं टीचिंग के लिए, 5 स्टार आते हैं कम कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो अभी क्या होता है जब आप उसको रेट करते हो, व्हाट हैपेंस कि टुवर्ड्स द एंड एक रेटिंग जनरेट होती है. जैसे मान लीजिए 10 बच्चों ने रेट किया और उसके बाद एक रेटिंग जनरेट हो गई कि भाई 4.9 स्टार है ना, किसी ने कम दिया किसी ने ज्यादा, और मान लीजिए 4.9 स्टार की रेटिंग जनरेट हुई. इसी प्रकार से कोई टीचर एक्स था, उसका रेटिंग जनरेट हुआ 4.8 स्टार, कोई और टीचर था उसका 4.7, एक का 4.3, इस तरीके की मान लीजिए रेटिंग्स जनरेट हो गई. क्या अब ये था तो क्वालिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव ही डेटा था ना, लेकिन इस डेटा को मैंने न्यूमरल्स असाइन करके, नंबर्स असाइन करके इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है. अभी भी क्वालिटेटिव ही नेचर, बट यहाँ पे मैं इस प्रकार के डेटा को ऑर्डर में लगा सकती हूँ. क्या कर सकती हूँ? ऑर्डर में लगा सकती हूँ इस तरीके के डेटा को. तो इसको डेटा को हम क्या कहेंगे? ऑर्डिनल स्केल का डेटा. कौन सा डेटा कहेंगे हम? ऑर्डिनल स्केल का डेटा, है ना, ऑर्डिनल स्केल का डेटा. तो जिस पे कुछ नहीं कर सकते उसको नॉमिनल स्केल का डेटा, जैसे किसी का नाम हो गया, ये सारी चीजें ऑर्डिनल स्केल, यानी ऐसा क्वालिटेटिव डेटा जिसको आप ऑर्डर में लगा पा रहे हैं, जैसे आप रेटिंग वगैरह देते हैं इस प्रकार से. फिर आ जाता है ऐसा डेटा जहां पे आप प्लस माइनस कर सकते हैं जिस प्रकार के डेटा के ऊपर. अब ये दो जो डेटा है ये आपके पास में क्वांटिटेटिव इन नेचर है. कौन से हैं? क्वांटिटेटिव इन नेचर, यानी ऐसे डेटा जो आपके पास में नंबर्स के फॉर्म में अवेलेबल है और जिसके ऊपर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं. तो हमने कहा इस डेटा को हमने दो भागों में बांट दिया.
पहला हो गया इंटरवल स्केल का डेटा, यानी ऐसा डेटा जहां पे जो दो डेटा आपके पास में आए हैं इनके बीच का डिस्टेंस आपको पता, यानी इंटरवल, नाम ही लिखा है इंटरवल, यानी आपको इनके बीच का डिस्टेंस पता है। डिस्टेंस पता है तो यानी प्लस माइनस कर पाएंगे हम, कि इसके और इसके बीच की दूरी पता है, इंटरवल पता है। सो प्लस माइनस यानी ऐसा क्वांटिटेटिव डेटा जिसके ऊपर आप एडिशन सब्सट्रैक्शन जैसी चीजें कर पाए, दैट डेटा इज मेजर्ड ऑन द इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट। और एक ऐसा सुप्रीम काइंड ऑफ अ डेटा जिसके ऊपर आप सब प्रकार के जो है कैलकुलेशन कर पाए, एडिशन भी कर पा रहे हैं, सब्सट्रैक्शन भी कर पा रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन कर पा रहे हैं, डिवाइड कर पा रहे हैं, इसका एक ओरिजिन पता है आपको कि भाई कहाँ से शुरू हुआ है वो भी पता है आपको। इस प्रकार का जो डेटा है उसको आप रेशियो स्केल के ऊपर मेजर करते हैं, ठीक है। तो चार डेटा हमने देखा, हमने कहा क्वालिटेटिव डेटा को दो स्केल्स के ऊपर आप मेजर कर सकते हैं। एक ऐसा क्वालिटेटिव डेटा भाई जिसको ना ऑर्डर में लगाया जा सकता है ना कुछ किया जा सकता है, सो दैट इज मेजर्ड ऑन द नॉमिनल स्केल। एक ऐसा डेटा जिसके ऊपर जिसको आप ऑर्डर में लगा पा रहे हैं, जिसका अभी हमने एग्जांपल लिया फीडबैक का, सो दैट इज ऑर्डरल स्केल का डेटा। फिर क्वांटिटेटिव डेटा में जहां पे दो डेटा के बीच का डिस्टेंस पता है आपको, प्लस माइनस कर पा रहे हैं, सो दैट इज एन इंटरवल स्केल का डेटा। और एक ऐसा जो है क्वांटिटेटिव डेटा जिसपे आप सब कुछ कर सकते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन ये सब कुछ आप कर पा रहे हैं, देन दैट इज नोन एज रेशियो स्केल का डेटा। अब देखो ये जो डेटा है आपके पास में क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव इस तरीके के डेटाज हमने कलेक्ट किए। अच्छा ये जो डेटा हमने कलेक्ट किया, अब लेट्स से फॉर एन एग्जांपल एक कोई कंपनी है, अभी आप लोग यूजीसी नेट क्वालिफाई करेंगे, अलग अलग कॉलेजेस कंपनीज में जाएंगे जॉब के लिए, तो कहीं पर भी ये कंपनी होती है इसके अंदर आप सर्च करोगे कि यार ये जो यूनिवर्सिटी है ये जो कॉलेज है इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी कितनी होती है, सर्च करते हैं ना हम लोग इस प्रकार की चीजें कि असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी कितनी होती है, फीस कितनी होती है, या इस तरीके की हम चीजें क्या कहते हैं मतलब सर्च करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे जब आप ये सर्च कर रहे हो और आपको वहां पे उनके ऑर्गेनाइजेशन में 600 इंप्लॉइज हैं, उन 600 का डेटा दिखा दे, तो कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे हम कि अरे यार इनको 70,000 मिल रही है, इनको 1,00,000 मिल रही है, इनको 35,000 मिल, आपको इतना सारा डेटा आ जाए तो आपको पता नहीं चलेगा कि यार एग्जैक्टली है कितनी, मतलब सैलरी कितनी है, मतलब मेरे को बता दो ना, ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा है। अब क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं यार एक काम करो, ये जितना भी डेटा है ना सैलरी का, इसके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर लेके आ जाओ, यानी एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसी फिगर, एक ऐसा डेटा जो ये मेरे पूरे डेटा को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। कि हमने कह दिया कि ऑन एन एवरेज ये पूरे जितने भी लोग हैं इन सबकी ऑन एन एवरेज जो सैलरी असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड की है वो है 60,000। अब आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ठीक है, अब मैं कहीं जाऊंगा अप्लाई करने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो ऑन एन एवरेज मेरे को 60,000 रुपये की सैलरी मिलने वाली है, ये पता चल गया मुझे। अभी यहीं पे 600 लोगों का डेटा दे देते तो आपको कन्फ्यूजन हो जाता। तो हमने कहा जब भी हमारे पास में डेटा अवेलेबल है और उस पूरे डेटा में से हम एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू निकाल लेते हैं कि ये अब मेरे इस पूरे पॉपुलेशन को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। तो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन हम कह रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हमारा सेंट्रल टेंडेंसी। क्या कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। जब एक ऐसी वैल्यू की हम खोज करें या कैलकुलेशन करें जो मेरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है, देन दैट इज नोन एज सेंट्रल टेंडेंसी हमारे लिए। अब सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए, यानी इस ऐसी वैल्यू को मेजर करने के लिए हमारे पास में कई सारे तरीके, कई सारे मेथड्स होते हैं। कौन कौन से भाई तरीके हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, तो हमने कहा तीन कॉमन मेथड्स हैं ऑफ फाइंडिंग द एवरेज। यहाँ पे एवरेज को निकालने के या सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करने के लिए तीन कॉमन तरीके, पहला हमने कहा मीन, दूसरा मीडियन और तीसरा मोड हमारे लिए। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, हर बार क्वेश्चन आ रहा है एग्जामिनेशन के अंदर। नाउ मीन क्या है, मीन हमने कहा अब ये जो एवरेजेस हैं इनको हम
दो भागों में बांट देते हैं। एक होते हैं पोजिशनल एवरेज जो कि मीडियन और मोड होते हैं, यानी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आया है, ठीक है। तो याद रखिएगा पोजिशन के ऊपर आधारित, यानी डेटा की पोजिशन के ऊपर आधारित अगर आप सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करते हैं तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आप या तो मीडियन का उपयोग करते हैं या तो आप मोड का उपयोग करते हैं, और आपके जो डेटा है आपके पास में उसके ऊपर आधारित अगर आप कैलकुलेशंस करके, कैलकुलेशंस का मतलब हो गया यहाँ पे मैथमेटिकल आधारित अगर आप डेटा निकालते हैं, यानी मैथमेटिकल बेस्ड यानी कैलकुलेशन बेस्ड अगर आप डेटा निकालते हैं तो उसके लिए हम मीन का उपयोग करते हैं। अच्छा, जो मीन है वो मेजरली हम तीन तरीके के निकालते हैं। एक होता है हमारे पास में जो है आपका मीन, जहां पे आप सिंपल एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं। एक होता है जहां पे आप ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, और तीसरा होता है जहां पे आप हार्मोनिक मीन निकालने की कोशिश करते हैं। एक एक करके इन सबको देख लेते हैं। सो मीन की अगर हम बात करें तो भाई बहुत सिंपल आप कह सकते हैं तरीका है। मीन का मतलब ओवरऑल अगर हम सिंपल जो है मीन की बात करें, तो अरिथमेटिक मीन की अगर हम बात करें, तो वहां पे हम सिंपली क्या करते हैं, सारे के सारे डेटा का एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं। सो इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। यहाँ पे ये जितनी भी आप कह सकते हैं वैल्यू निकलेगी सेंट्रल टेंडेंसी की, वो उस पूरे डेटा के ऊपर आधारित रहेगी, तो उसके ऊपर भरोसा करना, उसके ऊपर ट्रस्ट करना हमारे लिए कंपैरेटिवली क्या हो जाता है, इजी हो जाता है या बेहतर हो जाता है। अच्छा, जब भी लेट्स से फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं, यहां पे एक डेटा है आपके पास में 2 3 3 2 2। अच्छा, अगर मैं इस डेटा को आपको बोलूं कि मेरे को अर्थमेटिक मीन निकाल दो, यानी अर्थमेटिक मीन क्या है आपके लिए, एक सिंपल एवरेज अर्थमेटिक मीन निकाल दो अगर मैं आपसे बोलूं, तो इसका एवरेज निकालने के लिए क्या कहोगे, हम बोलेंगे यार सम करेंगे हम, यानी इनका टोटल करेंगे, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, क्या करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे। सो सम क्या है हमारे पास में 2 3 3 2, 2 2 4 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसको ऐसा रख लो, ऐसा कि ये 5 हो गया, ठीक है। तो आपके पास में मीन कितना निकल करके आ गया, एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ कि 2 निकल करके आ गया हमारे पास में मीन यहाँ पे, ठीक है। तो 2 निकल के आ गया, लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास में मीन, या अगर आप 4 पे ले रहे हैं तो 2.5 निकल के आ जाएगा, ठीक है, वट एवर इट इज। अब एग्जाम्पल के तौर पे लो कि मैंने यहाँ पे एक डेटा की जगह यहाँ पे 50 लिख दिया, अब मीन कितना निकल के आया, सिंपल मीन की अगर हम बात करें, अर्थमेटिक मीन की अगर हम बात करें, एक डेटा जो मैंने, एक फिगर जो मैंने रखी, जो बहुत बड़ी मैंने यहां पे रख दी, अब क्या निकल करके आया, 12 निकल के आ गया। अब देखो ये जो 12 निकल के आया, क्या ये इस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं आपको बोलूं ये मान लीजिए 2000 और ये 12000 है, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, तो अगर आपको ये पता चल जाए कि अच्छा इस ऑर्गेनाइजेशन में एवरेज सैलरी 12000 की, और आप गए आपको 2000 पकड़ा दिए, दिल सा नहीं टूट जाएगा, क्यों रे 2000 रुपए सैलरी खाली, और ये जिस पर्सन की सैलरी 50000 है उसका एवरेज रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो मीन की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी फिगर आपके डेटा में है इस प्रकार से, या एक बहुत छोटी फिगर है आपके डेटा के अंदर, बाकी डेटा के कंपैरिजन में कोई एक बहुत बड़ी फिगर या कोई एक बहुत छोटी फिगर है, तो इससे आपके मीन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, है ना, आपके मीन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, और आपका ये जो मीन है वो ट्रू रिप्रेजेंट नहीं करेगा, यानी ढंग तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है अब ये मेरे इस डेटा को। इसको कहते हैं अर्थमेटिक मीन निकालने की कोशिश करना, या जिसको आप सिंपल मीन भी कहते हैं, या जहां पे आप एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं। इजी है कैलकुलेट करना, इजी है समझना, लेकिन हाँ जो बड़ी फिगर्स आ रही हैं, बड़ी वैल्यूज आ रही हैं, इनका इफेक्ट बहुत ज्यादा हमारे पास में पड़ता है इस प्रकार के डेटा के ऊपर। फिर अगर हम बात करें ज्योमेट्रिक मीन की, है ना, ज्योमेट्रिक
ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? तो हमने कहा ज्योमेट्रिक मीन nth रूट निकालने की कोशिश करना. एग्जाम में क्वेश्चन भी ऐसा ही आता है, nth रूट बताइए कौन सा मीन निकालता है, तो हम कहेंगे ज्योमेट्रिक मीन निकालता है. कैलकुलेशन नहीं आती, फॉर्मूले से मैच द कॉलम आ गया या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए, तो आपको पता होना चाहिए ज्योमेट्रिक मीन क्या है, nth रूट निकालेगा यहाँ पे. अब वही सेम एग्जाम्पल, लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास में डेटा है 2, 3, 3, तो कितनी वैल्यूज हो गई, 1, 2, 3, 3 यहाँ पे लिखा, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 × 3 × 3, और इसका अंडर रूट कर देंगे हम. ये क्या निकल के आएगा अब हमारे पास में, ज्योमेट्रिक मीन निकल करके आएगा, जिसको हम कहते हैं nth रूट निकालने की कोशिश करना हमारे पास हमारे डेटा का. क्लियर है? सो इसको कहेंगे ज्योमेट्रिक मीन हमारे लिए. और हार्मोनिक मीन हम कहते हैं रेसिप्रोकल, किसको कहते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन. अब अर्थमेटिक मीन में क्या कर रहे थे हम लोग, यही कर रहे थे क्या, कि सारे डेटा को ऐड करते थे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते थे, यही करते थे क्या, यही करते थे. यहां पे देखो उल्टा हो रहा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर है और ये जो ऐड कर रहे हैं ये नीचे कर रहे हैं हम लोग. तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा करने की कोशिश करना, ऊपर की चीजें नीचे, नीचे की चीजें ऊपर, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल कर देना. तो हार्मोनिक मीन को हम कहते हैं इज द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन. अगेन तीनों तरीके हैं आपके मीन को कैलकुलेट करने के. अब जब भी आप मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, लेट्स फॉर एन एग्जाम्पल यही सेम डेटा है हमारे पास में, 2, 3, 3, 50, ये डेटा है लेट्स फॉर एन एग्जाम्पल. अर्थमेटिक मीन निकालोगे सेम डेटा का मान लो, ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे सेम डेटा का मान लो, हार्मोनिक मीन निकालोगे सेम डेटा का मान लो. तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो मीन निकल के आएगा वो आएगा अर्थमेटिक मीन, अभी निकाला भी था ये हमने, 12 निकल के आया था. उससे कम निकलेगा ज्योमेट्रिक मीन सेम डेटा का, और सबसे छोटा निकल के आएगा हार्मोनिक मीन हमारे लिए. क्लियर है? सो इस तरीके से निकालते हैं. अब दूसरा जो मेजर है हमारे पास में, जब जो हमारे पोजिशनल मेजर्स हैं, जहां पे आप सेंट्रल टेंडेंसी को डेटा की पोजीशन के ऊपर आधारित निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसमें पहला जो मेजर है दैट इज मीडियन, जब आप निकालने की कोशिश करते हैं. अब मीडियन की अगर हम बात करें, तो एग्जाम्पल के तौर पर आपकी स्क्रीन पे देखिए एक क्वेश्चन है, एक डेटा है 45, 36, 36, 28, 24, 19, 16, 16, 12, 7, 3, 3, 3, 3. अब एग्जाम्पल के तौर पे इससे क्वेश्चन आ गया एग्जामिनेशन में और आपसे पूछ रहे हैं कि भाई निकाल के बता दो मीडियन कितना है, तो कैसे निकालोगे? तो हमने कहा निकालेंगे कैसे यार मीडियन को. अब हमने कहा एक तरीका है मीडियन निकालने का. सबसे पहले तो ये जितना डेटा आपको दे के रखा होगा, अब मैंने जो डेटा लिखा है ये ऑलरेडी आपका बड़े से छोटे की ओर आ रहा है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में ये डेटा ऑलरेडी जो है क्या है, अरेंज है. अब एग्जाम में तो वो जंबल करके दे सकते हैं, आपको कंफ्यूज कर देंगे, आप मिडिल वाले वैल्यू निकाल दोगे. तो सबसे पहले क्या करना है, इस डेटा को या तो असेंडिंग में लगा दो या तो डिसेंडिंग में लगा दो, वो आपकी मर्जी है ना, आपकी श्रद्धा, असेंडिंग लगाना चाहो या डिसेंडिंग लगाना चाहो, यानी या तो बड़े से छोटा लगा दो या तो छोटे से बड़ा लगा दो, दैट्स टोटली अप टू यू. अब लेट्स से फॉर एन एग्जांपल आपने लगा दिया, इसके बाद अब आप देखो कितनी वैल्यूज है यहां पे हमारे पास में. तो अगर ऑड है वैल्यूज, जैसे मान लो आपके पास में वैल्यूज है 5, तो दो इस तरफ रख दी, दो इस तरफ रख दी, बीच वाला मीडियन हो गया, सिंपल. ये तो कुछ भी नहीं करना हमें. हाँ, अगर वैल्यूज इवन है हमारे पास में तो बीच में दो वैल्यूज निकल के आएंगी जो हमारे मीडियन के रूप में आएंगी. देखो ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यूज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नीचे, 6 ऊपर. अब ये दो वैल्यूज निकल रही है मिडिल में, अब इनमें से हमें मीडियन निकालना है, तो क्या करो, दोनों का एवरेज ले लो, दैट्स इट. निकल आया हमारे पास में मीडियन. अब कोइंसिडेंस ऐसा था हमारे लिए कि दोनों वैल्यूज सेम थी, तो मीडियन सेम निकला. अलग भी होती तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी, एवरेज निकाल लेते, दोनों को प्लस करना है और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे हम. क्लियर है? इसी को मीडियन कहते हैं. तो हमने कहा मीडियन एक ऐसा एवरेज है, सॉरी, एक ऐसा सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है जहां पे आपने ये जो निकाला डेट, ये जो आंसर निकला है 16 हमारा मीडियन निकला, 16 हमारा सेंट्रल टेंडेंसी निकला, क्या ये सारे डेटा पे आधारित था, क्या ये सारे डेटा पे आधारित था, क्या मैंने सारे डेटा का इस्तेमाल किया इसको कैलकुलेट करने में? हमने कहा नहीं किया.
क्योंकि ये डेटा तो मैंने यूज ही नहीं किया, ये डेटा मैंने यूज ही नहीं किया. तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि जब भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं मीडियन को, तो मीडियन के कैलकुलेशन के दौरान हम मैक्सिमम जो डेटा है उसको यूज ही नहीं करते. हम खाली एक की फिगर का इस्तेमाल कर रहे हैं या मैक्सिमम दो फिगर्स का इस्तेमाल होता है. इसको कहते हैं मीडियन कैलकुलेट करना. दूसरी ओर अगर हम मोड की बात करें तो मोड का मतलब हो गया जब हम मोस्ट रिपीटेड वैल्यू निकाल रहे हैं, कि मेरे डेटा में सबसे ज्यादा रिपीट कौन सी वैल्यू हो रही है, मेरे डेटा में सबसे ज्यादा रिपीट कौन सी वैल्यू हो रही है. अब ये मेरे पास में डेटा है 45, 36, 36, 28, 24, 19, 16, 16, 12, 7, 3, 3, 3, 1. अब हमने कहा 36 दो बार रिपीट हो रहा है, 16 दो बार रिपीट हो रहा है और 3 तीन बार रिपीट हो रहा है. तो सबसे ज्यादा रिपीटेड वैल्यू कौन सी है, हमने कहा 3. यही हमारे लिए हमारा मोड है. क्या है, यही हमारे लिए हमारा मोड है. सो मोड की अगर आप बात करें तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू हमारे डेटा स्ट्रक्चर की. अगेन ये भी जो सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है ये पोजिशन पे आधारित है. इस पे भी हमने ये देखो इतनी बड़ी बड़ी फिगर्स थी, कोई इस्तेमाल नहीं हुआ इन फिगर्स का. यहाँ पे हमने सिर्फ जो सबसे ज्यादा रिपीटेड वैल्यू थी उसके बेसिस के ऊपर कैलकुलेशन कर लिया. लिमिटेड मैथमेटिकल वैल्यू है क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन एक तरीके से किया ही नहीं है हमने, तो खाली गिना है, कोई कैलकुलेशन नहीं हुआ है यहाँ पे. अब ये डज नॉट टेक इन अकाउंट द स्प्रेड ऑफ वैल्यू. अब एक वैल्यू बहुत बड़ी है, एक वैल्यू बहुत छोटी है, ये जो स्प्रेड है इसको हमने कंसिडर नहीं किया, कुछ नहीं किया. सो ये है हमारे लिए मोड का कैलकुलेशन. क्लियर है. अब हमने कहा कि जो हमारे पास में डेटा होता है, दिस डेटा इज ऑलमोस्ट डिवाइडेड इनटू अ लॉट ऑफ पार्ट्स, है ना. डेटा हमने देखा कि 2, 5, 6, 50, 15 हजार बहुत सारा वैल्यूज हैं, बहुत सारी फिगर्स हैं हमारे पास में. अच्छा, एज अ लाइक रिसर्चर, क्योंकि ये डेटा एज अ कंपनी, आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्या कि जितना भी व्हाटएवर डेटा इज अवेलेबल फॉर यू गाइस, इस डेटा के बीच में बिखराव कितना है, ये जानना बहुत जरूरी है क्या. मान लो एक मुट्ठी में आपने कच्चे चावल लिए और उसको ऐसा डाला जमीन पे ऐसे, तो एक एक दाने के बीच में वो जो डिस्टेंस आ रहा है दैट इज नोन एज डिस्पर्जन, वेरिएबिलिटी, बिखराव जिसको हम कह रहे हैं. यानी एक चावल का दाना यानी एक डेटा और दूसरे डेटा के बीच में डिस्टेंस कितना है. अगर यदि मान लो एक डेटा यहां पे है, यानी एक डेटा मान लीजिए 2 है और दूसरा डेटा 2500 है, तो यानी डिस्पर्जन बहुत ज्यादा है. अगर डिस्पर्जन बहुत ज्यादा है इसका मतलब जो सेंट्रल टेंडेंसी हमने निकाली है उस पे भरोसा करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा एक कंपनी के लिए. तो डिस्पर्जन निकालना हमारे लिए बहुत जरूरी है. अब डिस्पर्जन जब आप कैलकुलेट करते हैं, या डिस्पर्जन की अगर हम डेफिनेशन की सबसे पहले तो भाई डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि डिस्पर्जन है क्या. तो हमने कहा डिस्पर्जन एक ऐसा मेजर है वेरिएबिलिटी देखने का कि कितना वेरी कर रहा है डेटा, आपस में कितना वेरी कर रहा है. और अगर हम एक पॉइंट से देखें तो इस पॉइंट से डेटा कितना ज्यादा वेरी कर रहा है. एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि मैंने ये डेटा का आपस में देख लिया कितना डिस्टेंस आ रहा है, कि एक डेटा यहाँ, एक डेटा यहाँ, एक डेटा यहाँ, एक तो ये इस तरीके से देख सकते हो. दूसरा तरीका डिस्पर्जन मेजर करने का हो जाता है रिलेटिवली. रिलेटिवली का मतलब यानी मीन निकाल लो. और अब देखो मीन से ये यहाँ पे कितना है, मीन से ये यहाँ पे, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट से सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल लो. एक ये तरीका हो गया कि हमने या तो डेटा के आपस में वेरिएबिलिटी देख ली, या तो हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट से इनके बीच में कितना डिस्टेंस है वो अंडरस्टैंड, वो स्टडी कर लिया. सो ये दोनों ही अगेन डिस्पर्जन कहलाएंगे, डिस्पर्जन के मेजर्स कहलाएंगे. नाउ ऑल्सो नोन एज मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी या एवरेज ऑफ सेकेंड ऑर्डर, दोनों ही नामों से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए तो आपको पता होना चाहिए कि यार अच्छा मुझसे डिस्पर्जन पूछा जा रहा है. जो टर्म है ना, ये जो शब्द है डिस्पर्जन, या जिसको आप वेरिएशन कहेंगे, जिसको आप बिखराव, स्प्रेड कहेंगे, स्केटर कहो, डेविएशन कहो, वेरिएबिलिटी कहो, वन एंड द सेम थिंग. कई सारे शब्दों से इसको आप बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, बहुत सारे नाम हो सकते हैं इसके. ना ये जो शब्द है इसको हम दो सेंस में लेते हैं,
यानी दो तरीकों से इस शब्द का वर्णन किया गया है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, कि हमने कहा एक तो बिखराव कितना है डेटा का आपस में, विद इन देमसेल्व्स, है ना, ये डेटा एक, ये डेटा एक, ये डेटा, इस तरीके से बिखराव देख रहे हैं कि हमारे क्लास में जितने सारे बच्चे हैं इनके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, तो हमने कहा ये एक मार्क्स के दूसरे तीसरे बच्चे से हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस देख रहे हैं कि अरे यार एक का तो 50 है, दूसरे का 60 आया, एक का 45 आया, एक का 90 आ गया, ये देख रहे हैं विद इन देमसेल्व्स, सो दैट इज नोन एज डिस्पर्जन अगेन। और या तो मैंने कहा कि यार ऑन एन एवरेज इनको 100 में से 65 नंबर चाहिए, तो हमने कहा इस मॉक टेस्ट में इतने आने चाहिए, तो अब हम वो 65, वो जो 65, जो एक पॉइंट मैंने डिटरमाइन कर दिया, इस पॉइंट से मैं सारे बच्चों के डेटा का डिस्टेंस देख रहा हूँ, तो दोनों तरीके से आप डिस्पर्जन को मेजर या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने कहा डिस्पर्जन, एक तो आपका जो एवरेज आपने जो मीन निकाला इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है ये बताएगा। भाई मान लो मैंने मीन निकाल लिया और मेरे मीन से ये जो डेटा था ये इतनी दूरी पे है, इसका मतलब ये मीन की वैल्यू सही रिप्रेजेंटेटिव नहीं है मेरे डेटा की, तो इस मीन की वैल्यू पे, इस एवरेज पे भरोसा करना पॉसिबल नहीं है। कंपेयर करना है अगर कि भाई ये सेट ऑफ डेटा में कितना बिखराव है, ये सेट ऑफ डेटा में कितना बिखराव है, किसके ऊपर आधारित हम डिसीजंस ले सके, इस तरीके की बातें अगर आपको सोचनी है, अगेन डिस्पर्जन इज अ वेरी नाइस मेथड फॉर इट। फिर हमने कहा बहुत सारे जो स्टैटिस्टिकल मेजर्स हैं जैसे कोरिलेशन, रिग्रेशन, कि किसका किस पे कितना इफेक्ट है, किस का किससे रिलेशन है या नहीं है, दो वैल्यूज का या दो तीन वेरिएबल्स का, इस तरीके की जो चीजें हम मेजर करते हैं, उस मेजर को करने के लिए सबसे पहले मुझे उस डेटा के बीच का बिखराव जानना है, तो वो डिस्पर्जन की मदद से आप जानते हैं। अब हमने कहा कि जो मेजर है वो दो प्रकार से हो जाते हैं, एक तो आपस में जब हमने कर लिया तो उसको हम कहते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, जो खुद में हो रहा है, जैसे रेंज निकाल लिया कि हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू के बीच का डिस्टेंस देख लिया, रेंज निकाल लिया, या क्वार्टाइल्स के बीच का डिस्टेंस देख लिया आपने। क्वार्टाइल्स क्या होता है, जब आप डेटा को चार इक्वल भागों में बांट रहे हैं Q1, Q2, Q3, इस पे आधारित अगर आप निकाल ले कि यार डिस्पर्जन कितना है, तो हमने क्या किया ओरिजिनल डेटा की फिगर्स के बीच में एक बिखराव निकाल लिया। दूसरा तरीका हो जाता है जहां पे आप रिलेटिवली निकालने की कोशिश करते हैं, यानी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से आप डेटा का कैलकुलेशन करने, जैसे चाहे तो मीन से कर लीजिए या तो स्टैंडर्ड डेविएशन से कर लीजिए, या तो मीन निकाल लो या तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो, और ये मीन है जैसे मान लो, और ये सारे मेरे डेटा, तो इस मीन से ये डेटा कितना दूर है, इस मीन से ये डेटा कितना दूर है, इस मीन से ये डेटा कितना दूर है, इस प्रकार से जब आप कैलकुलेशन कर ले तो उसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव मेजर हमारे डिस्पर्शन का। तो दो तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहां तक मुझे बता दो कि समझ आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, सेशन अच्छा लग रहा है या नहीं, आ रहा है समझ या नहीं, ओके। अब चलो नेक्स्ट आ जाओ, हमने कैलकुलेट क्या कर लिया भाई, डिस्पर्जन। अब एक तो हमारा मेजर था डिस्पर्जन का, जहां पे हमने कहा डेटा में बिखराव देख लिया, है ना, बिखराव देखने के बाद में अब क्या करोगे बताओ, बिखराव देखने के बाद क्या करोगे। अच्छा बिखराव देखने के बाद अब ये जानेंगे क्या कि ये बिखराव किस दिशा में है। भाई हमने कहा कि ये मेरा लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, ये मेरा लेट्स से फॉर एन एग्जांपल पॉइंट था, मीन हो गया, मीडियन हो गया, या जो भी आपके आपका मेजर था, सॉरी मीडियन बोल रहा हूँ, डिस्पर्जन का जो भी मेजर आपने इस्तेमाल किया, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल ये आपका पॉइंट था, और हमने कहा यार डिस्पर्जन जो है वो बहुत ज्यादा आ रहा है, बिखराव बहुत ज्यादा आ रहा है इधर इधर ऐसे करके, तो अब हमने कहा अच्छा बिखराव आ रहा है, ठीक है, अब मुझे ये बताओ बिखराव किस दिशा में आ रहा है। यानी मैंने कहा ये मेरा मॉक टेस्ट है 100 नंबर का,
इसमें से हमने कहा यार इस पर्टिकुलर पॉइंट से यानी 65 नंबर आने चाहिए थे बच्चों के, इतने तो एटलीस्ट आने चाहिए थे, तो मैंने कहा ये पॉइंट मैंने चुन लिया और इस पॉइंट से हमने कहा कि जो भी स्कोर आ रहा है बच्चों का उसका डिस्टेंस निकालो। हमने कहा किसी का 75 आया, किसी का 80 आया, किसी का 42 आया, किसी का कुछ, तो इस पॉइंट से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सो दिस इज नोन एज बिखराव या डिस्पोजन या वेरिएबिलिटी निकालना। नाउ अब लेट्स से फॉर एन एग्जांपल ये सारी चीजें मैंने कर ली। अब अच्छा एज अ टीचर मुझे ये भी तो जानना है कि यार बिखराव का यानी डिस्पर्जन का डायरेक्शन क्या था। अच्छा 65 से राइट पे जा रहा था डेटा, यानी 65 से ऊपर था मेरे पास में डेटा जो निकल के आया वो है, या 65 से कम था तो उसी हिसाब से डिसीजन लेंगे ना। अगर ज्यादा आ रहा है 65 से, ज्यादा आ रहा है 65 से तब तो बहुत बढ़िया बात है हमारे लिए। हमने कहा यार तब वो बहुत अच्छे से सीआरएफ निकाल ले जाएंगे ये लोग। 65 से कम आ रहा है तो हमने कहा पकड़ के लेके आओ इनको, बताते हैं इतना पढ़ाने के बाद इनको 65 से कम आ रहा है। तो हमने कहा ये जो है ना स्क्यूनेस, ये आपके डेटा में ये जो बिखराव आया इसकी क्या बताएगा, इसका डायरेक्शन बताने की कोशिश करेगा, दिशा बताने की कोशिश करेगा। जी भी जी पूछ रहे बिखराव का मतलब क्या होता है। अरे भाई मतलब वही वाला कहानी हो गया ये तो, है ना, पूरी रामायण खत्म हो गई फिर पूछ रहे हैं राम क्या होता है। हाँ बुरा डिस्पर्जन बढ़ा दिया फिर पूछ रहे हो बिखराव क्या होता है, डिस्पर्जन क्या होता है। चलो सो स्क्यूनेस का मेजर क्या है। हमने कहा स्क्यूनेस का मतलब हो गया, देखो अगर डेटा हमारे पास में जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया कि ये इतने सारे बच्चे थे इन्होंने टेस्ट अपियर किया, इसके बाद में हमने इनके डेटा को ग्राफ पे यदि मान लीजिए प्लॉट किया ऐसा, और ये जो डेटा मैंने ग्राफ पे प्लॉट किया है ये इवन आया है, ये बीच वाले पॉइंट से अगर मैं इस डेटा को बांटूं दो भागों में तो अगर टोटल डेटा 1 है तो 0.5 इधर आएगा 0.5 इधर आएगा, तब हम कहते हैं कि इस डेटा में सिमेट्री है, इवननेस है कि आधा आधा डेटा बराबर हो रहा है, इसको कहते हैं सिमेट्री होना डेटा के अंदर। अब यदि मान लीजिए ये सिमेट्री नहीं है, डेटा एक तरफ ज्यादा भाग रहा है तो हम कहते हैं स्क्यूनेस हो गया डेटा के अंदर। क्या हो गया? स्क्यूनेस हो गया डेटा के अंदर। इसका मतलब यानी डेटा मान लो इस तरफ को ज्यादा है या इस तरफ को ज्यादा है, यानी लैक ऑफ सिमेट्री कहेंगे, क्योंकि सिमेट्री था तो दोनों ओर बराबर था हमारे पास में डेटा, जिसको आप नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का नाम भी देते हैं। अब अगर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बराबर बराबर नहीं है दोनों ओर, तब हम कहते हैं लैक ऑफ सिमेट्री हो गया। अब हमको डिस्पर्जन यानी बिखराव का क्या देखना है, डायरेक्शन यहाँ पे देखने की कोशिश करना है कि लेफ्ट पे जा रहा है राइट पे जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, ताकि हम डिसीजन ले पाए अपने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब स्क्यूनेस पॉजिटिव हो सकता है अगर राइट पे भाग रहा है, नेगेटिव हो सकता है लेफ्ट पे भाग रहा है, या जीरो हो सकता है जब सिमेट्री है मेरे डेटा के अंदर, है ना। जब सिमेट्री है आपके डेटा के अंदर तो आपका स्क्यूनेस जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा स्क्यूनेस, क्योंकि दोनों दिशा में भागा ही नहीं हमारा कर्व। अब देखो सिमेट्री का मतलब हो गया जब कर्व दोनों ओर बराबर बराबर हमारे पास में आया, यानी इस तरीके का कर्व बनाया दोनों ओर बराबर आया, तो बीच में यानी इस वाले पॉइंट के ऊपर मीन इक्वल्स टू मोड इक्वल्स टू मीडियन, यानी ये तीनों सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर बराबर, क्योंकि डेटा इक्वल एक समान गया है हमारा, सो मीन मीडियन मोड तीनों हमारे पास में बराबर बराबर निकल करके आएंगे। बेल शेप का कर्व बनेगा, मीन मीडियन मोड बराबर रहेंगे। अब अगर डेटा फ्री जो है राइट की तरफ भाग रहा है, यानी राइट की तरफ क्या है, एक टेल आ रही है, राइट की तरफ एक टेल आ रही है, और इस तरफ अगर आप देखो लेफ्ट की ओर तो ये क्या आया है, एक पीक आया है ना। मैंने डेटा ऐसा करके यूं बनाया, लेफ्ट को पीक आया है, राइट को क्या गया, मेरा टेल गया। तो इसको क्या कहूंगी मैं, कौन सा डेटा है, दिस इज पॉजिटिवली स्क्यूड, राइट की तरफ डेटा भाग रहा है मेरा। इस डेटा में अगेन दिस इज नॉट अ बेल शेप्ड कर्व, राइट की तरफ टेल है और पीक है लेफ्ट की ओर यहाँ पे मेरे पास में, सो दिस इज पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा। इस डेटा के अंदर यानी पॉजिटिवली स्क्यूड के अंदर हमारे पास में द मोड, या आप ऐसे लिख लीजिए मीन जो है, जस्ट अ सेकंड,
मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, यानी यहां पे सबसे बड़ा होता है मीन, उससे छोटा मीडियन और सबसे छोटा मोड आता है कौन से डेटा में, पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा के अंदर। क्या सबसे बड़ा? मीन, उससे छोटा मीडियन और सबसे छोटा मोड आता है। उधर ही दूसरी ओर अगर हम नेगेटिवली स्क्यूड डेटा की बात करें तो नेगेटिवली स्क्यूड डेटा क्या हो गया, देखो यहाँ पे लेफ्ट की तरफ टेल आ रही है और राइट की तरफ पीक आ रही है ना, पीक लेफ्ट की राइट की तरफ है और टेल लेफ्ट की तरफ है। यहां पे जो मोड है हमारे पास में वो सबसे बड़ा आता है, मीडियन उससे छोटा और सबसे छोटा हमारे पास में मीन निकल करके आता है। क्लियर है? इसको याद रखिएगा कि सिमेट्री जब आता है, लैक ऑफ सिमेट्री, सॉरी सिमेट्रिकल जब कर्व होता है, लैक ऑफ स्क्यूनेस जिसको हम कहते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है, तो वहां पे बीच में मीन मीडियन मोड तीनों बराबर रहते हैं। डेटा राइट को भाग रहा है यानी पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा है, तो मीन सबसे बड़ा, मीडियन उससे छोटा, सबसे छोटा मोड आएगा। और अगर डेटा नेगेटिवली स्क्यूड है जहां पे डेटा लेफ्ट की तरफ भाग रहा है, टेल डेटा के लेफ्ट की तरफ है, देन मोड इज द हाईएस्ट, उसके बाद में मीडियन और उसके बाद में मीन निकल करके आएगा। एनी प्रॉब्लम होपफुली नहीं हुई होगी समझने में। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट मीन मीडियन मोड इज ऑल अबाउट। अब हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज नॉट स्कोटोसिस का कॉन्सेप्ट। अच्छा नाउ लेट्स सी फॉर एन एग्जांपल, हमारे पास में मैंने बिखराव देखा, मैंने डिस्पर्जन देखा। डिस्पर्जन देखने के बाद में मैंने देखा कि डिस्पर्जन किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट पे है राइट पे है। और अब जब हम कर्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल दिस इज माय कर्व, तो ये कर्व मेरा ऐसा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा भी बन सकता है इस तरीके से। ऐसा हो सकता है क्या कि कर्व ऐसा बन जाए, यानी ना लेफ्ट पे जा रहा है ना राइट पे जा रहा है, लेकिन एक ऐसा पीक बीच में आ रही है, दिस ऑल्सो कैन बी पॉसिबल। और ऐसा भी हो सकता है कि मेरा डेटा जो है वो इस तरीके से आ रहा हो, यानी एक बहुत फ्लैटर कर्व बन के आ रहा हो। सो ये जो बल्गीनेस है डेटा की या बल्गीनेस कर्व की, ये स्टडी करता है कर्टोसिस आपका, कि हमने कहा लेफ्ट और राइट भाग रहा था तो हमने स्क्यूनेस से स्टडी कर दिया। मान लो लेफ्ट और राइट भाग ही नहीं रहा, ऊपर की ओर जा रहा है डेटा, यानी यहाँ पे बल्गी सा डेटा बन रहा है या बहुत फ्लैट सा कर्व बन रहा है हमारा, इसको किससे मेजर कर लूँ। सो हमने कहा इसको मेजर करने के लिए हमारे पास में क्या अवेलेबल है, हमारे पास में अवेलेबल है कर्टोसिस। तो कर्टोसिस में तीन तरीके के कर्व बनते हैं, एक तो हो गया ये जो बीच वाला है मिडिल वाला कर्व, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है आपका, एक तो ये ऐसा वाला कर्व बनता है। अच्छा ये जो बीच में है यानी मिडिल में है, मिडिल यानी एम यानी मेसोकर्टिक, मेसोकर्टिक, ठीक है मेसोकर्टिक। अब दो कर्व और बचे हमारे पास में, एक जो जिसमें पीक निकली हुई है और एक जो सबसे ज्यादा फ्लैट है। अच्छा बच्चे, चिल्ड्रन जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, खेलते हैं क्या, खेल रहे होते हैं। उधर है कि छोटे बच्चों को आप छोड़ दो तो वो जमीन में ऐसा खेलने लग जाता है, नीचे खेलने लग जाता है, तो वो नीचे खेल रहा है, प्ले कर रहा है। तो ये छोटा बच्चा हो गया ना जो जमीन में खेलता रहता है हमेशा, उसको उठाना पड़ता है कि यार जमीन में मत खेलो, जमीन की चीजें मत खाओ, ऐसे करते हैं। सो दिस इज छोटे बच्चे जो जमीन में खेल रहे हैं नीचे की तरफ, सो प्ले करते हैं। सो प्लेटोकर्टिक कर्व, ये वाला फ्लैटर वाला कर्व। और हमारे पास में एक कर्व जो इन दोनों कर्व्स के ऊपर लेटा हुआ है, ये इसके ऊपर लेटा है ना, लेटते हैं हम बेड के ऊपर जैसे, तो ये कर्व इनके ऊपर लेटा है, सो दिस इज लेप्टोकर्टिक। इसको ऐसे याद रख लीजिएगा। सो बल्गीनेस ऑफ द डेटा कौन मेजर करता है हमारे पास में, कर्टोसिस मेजर करता है, जहां पे तीन कर्व्स आ जाते हैं हमारे पास में। इसको देख लो, यहाँ पे देखो तीन कर्व्स है, द प्लेटोकर्टिक जो सबसे नीचे वाला कर्व है, द लेप्टोकर्टिक जो सबसे ऊपर वाला पीकेड वाला कर्व होता है, एंड देन जो मेसोकर्टिक जो मिडिल वाला कर्व रहता है। सो कर्टोसिस अनदर मेजर है हमारे पास में जो शेप मेजर करता है आपके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, क्या शेप मेजर कर रहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। सो कार्ल पियर्सन ने इस कर्व को तीन भागों में क्लासिफाई किया, मेसोकर्टिक, लेप्टोकर्टिक, प्लेटोकर्टिक, जिसको भी हमने देखने की कोशिश किया।
उम्मीद करती हूँ सेशन अच्छा लगा होगा, जहाँ पे हमने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज किया बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से। सेशन अच्छा लगा हो तो कृपया करके सेशन को लाइक करना मत भूला करिए, सो दैट मेरे को पता चले गया सेशन अच्छा लगा, आपने लाइक किया सेशन को। और नीचे कमेंट ड्रॉप कर दिया करिए सेशन एंड होने के बाद में कि हाँ भाई सेशन अच्छा लगा, ताकि मैं बाद में जब पढ़ूँ तो मुझे लगे तो यार मेहनत जो है ना वो थोड़ा सा सफल हुई, कि हाँ पसंद आ रहा है बच्चों को कोर्स। सो अगर अगर आप को पसंद आ रहा है या आपको कंप्लीट कोर्सेज के अंदर एनरोल करना है, सो व्हाट यू गाइस कैन डू इज़ आप हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जा सकते हो, दैट इज़ ada247.com के ऊपर, या एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में देके रखा होगा। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में ऑल कोर्सेज में गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में से UGC के ऊपर आ जाना। UGC में आपके पास में अलग अलग सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, कॉमर्स और मैनेजमेंट दो सब्जेक्ट्स मैं लेती हूँ, तो आप कॉमर्स सेलेक्ट कर लो या मैनेजमेंट आपका सब्जेक्ट है तो आप मैनेजमेंट सेलेक्ट कर लो। एंड इसके मेगा पैक के अंदर आप एनरोल कर लो। मेगा पैक में क्या होता है कि मेरे जितने भी कोर्सेज हैं, जैसे आपने कॉमर्स मेगा पैक एनरोल किया तो मेरे कॉमर्स के जितने कोर्स आएंगे या पेपर वन के जितने कोर्स आएंगे वो सब आपको इसके अंदर मिल जाएंगे अलॉन्ग विद दी स्टडी मटीरियल। ये देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम बुक किट, तो घर पे किताबें भी डिलीवर हो जाएंगी। कोड यूज कर लीजिए Y760 कंप्लीट कोर्सेज फाउंडेशन कोर्सेज के अंदर एनरोल करने के लिए। अब अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है या ऐसा बच्चा है जिसको किताबें की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो किताबें ऑलरेडी ले चुके हैं अलग से, तो वो क्या कर सकते हैं, यहीं पे कॉमर्स सेलेक्शन किट के नाम से एक मेगा पैक होगा जहाँ पे किताबें नहीं है बाकी सारी चीज़ें हैं। पेपर वन के सारे कोर्सेज हैं, पेपर टू कॉमर्स के सारे कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। तो अगर आप दिसंबर को मान लो ऐसे अटेम्प्ट के तौर पे दे रहे हो कि यार चलो देख लेते हैं इस बार, और मेन प्रिपरेशन आपकी जून की है, ऐसे कुछ बच्चे हो सकते हैं, तो आप अभी से एनरोल कर जाइए। दिसंबर के लिए क्या करिएगा, जो दिसंबर वाले कोर्सेज हैं उनको एक बारी रिविजन के तौर पर देख लीजिएगा, और दिसंबर का एग्जाम होते ही हम जून की प्रिपरेशन के अंदर जो है वो लग जाएंगे। सो विल सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। ये वाला सेशन मेरा कितने बजे होता है यार, रोजाना 1 बजे ये वाला सेशन होता है इसी चैनल के ऊपर, UGC Net Data 24/7 के ऊपर। तो इसके अंदर रोज ट्यूनिंग करना मत भूलिए, जहाँ पे हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत सारे आप कह सकते हैं क्वेश्चंस, PYQs, बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी पल्लवी जी, 7 तारीख को है। सो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, होपफुली सेशन अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट जब भी लाइव आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दिस इज योर मेंटर फॉर UGC नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट बुशरा साइनिंग ऑफ। एंड यस, मेरे को आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम, ठीक है, UGC Net by Bushra मैम, कनेक्ट कर जाइए। क्लास की जो नोटिफिकेशंस हैं आपकी वो वहाँ पे मिल जाती हैं आप लोगों को। इन कोई डाउट्स हैं किसी चीज़ से रिलेटेड, यू गाइस कैन कनेक्ट विद मी। सो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।